नमस्कार, मैं नियाज खान। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक गालीबाज बीजेपी नेता की तस्वीर काफी वायरल हुई थी, जिसका नाम श्रीकांत त्यागी है। नोएडा की एक सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी ने एक महिला के साथ बदतमीजी की और गंदी गंदी गालियां दी, जिसे यहां सुनाना भी मुमकिन नहीं है। जैसे ही इस गालीबाज नेता की तस्वीर वायरल हुई तो लोगों में भी खूब गुस्सा देखने को मिला। योगी के पुलिस ने भी इसे आड़े हाथों लिया, थाने में मामला दर्ज कराया गया और उसकी तुरंत गिरफ्तारी भी हो गई। यहां तक कि बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। तब से श्रीकांत त्यागी ना घर के हैं ना घाट के। इसके बाद त्यागी समाज ने गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी भी जाहिर की थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसे गालीबाज नेता से अपना नाता बिल्कुल तोड़ लिया। लेकिन इस बीच अब समाजवादी पार्टी को इस गालीबाज नेता पर बहुत प्यार आ रहा है, इसलिए सपा का एक प्रतिनिधि मंडल श्रीकांत त्यागी की पत्नी से मुलाकात करने जा रहा है। हालांकि इस मुलाकात का विरोध कुछ सपाई भी कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इस मुलाकात से खुद सपा में भी फूट देखी गई है और नोएडा महानगर सपा उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने पद से भी इस्तीफा दे दिया है। शैलेंद्र कुमार ने अपने इस्तीफे में लिखा है, मैं शैलेंद्र कुमार उपाध्यक्ष नोएडा महानगर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के श्रीकांत त्यागी, जिसने नोएडा की एक सोसाइटी में महिला के साथ बदतमीजी और धक्का मुक्की के साथ वैश्य जाति पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने के आरोपी के परिवार से मिलने के पार्टी के निर्णय से असहमत हूँ। पार्टी के इस फैसले से मैं जिला उपाध्यक्ष नोएडा महानगर अपने पद एवं समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपने सभी सहयोगियों के साथ इस्तीफा दे रहा हूं। महिलाओं के साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की और बदतमीजी मुझे या मेरे किसी भी सहयोगी को बर्दाश्त नहीं। आपको बता दें कि जिस अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति से बीजेपी ने दामन छुड़ा लिया, उसके लिए सपा के दिल में प्यार उमड़ रहा है और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को भुनाने के लिए ही किया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, सपा के प्रतिनिधि मंडल का श्रीकांत त्यागी के लिए उसकी पत्नी से मिलना कितना सही है, जिसने एक महिला को गंदी गंदी गालियां दी हों, उसके साथ बदतमीजी की हो? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।